ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अब प्रदेश की ओर। बिलासपुर जिला के बंदला के समीप कोग गांव के लोगों को बरसी में जाना तब महंगा पड़ गया जब खाना खाने के कुछ घंटे बाद एकाएक 70 लोगों की तबीयत खराब होने के समाचार मिले और उन्हें उल्टियां लग गईं। वहीं इन मरीजों में महिला और बच्चे भी शामिल थे। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और मरीजों को बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। बिलासपुर जिले के बंदला के समीप गांव कोक के लोगों को बरसी में जाना तब महंगा पड़ गया जब खाना खाने के कुछ घंटों बाद एकाएक 70 लोगों की तबीयत खराब होने लगी और उन्हें उल्टियां दस्त लग गए। वहीं इन मरीजों में महिला व बच्चे शामिल हैं। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है और मरीजों को बिलासपुर क्षेत्रीय अस्पताल सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घुसोड़ में भर्ती करवाया गया है। वहीं स्थानीय मरीजों का कहना है कि कोक गांव के रहने वाले रविंद्र कुमार की मृत्यु 1 साल पहले हुई थी, जिसकी बरसी पर वे खाना खाने गए थे। वहीं खाने के लगभग 10 से 12 घंटों के बाद उन्हें उल्टी दस्त लग गए। वहीं प्राइवेट अस्पताल में चेकअप के बाद भी जब उल्टी दस्त बंद नहीं हुए तब वे क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर पहुंचे। वहीं बिलासपुर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश का कहना है कि सभी मामले फूड पॉइजनिंग से संबंधित थे, जिनका उपचार चल रहा है। फिलहाल सभी मरीजों की हालत सामान्य बनी हुई है। बरसी थी भागीरथ नाम के व्यक्ति के घर और वहाँ पे लोगों ने जब खाना खाया उसके बाद कोई 14-15 घंटे के बाद उनको कुछ लोगों को उल्टियाँ, कुछ लोगों को दस्त और कुछ लोगों को उल्टी दस्त दोनों आने शुरू हो गए। और इसकी जानकारी मिलते तुरंत हमने 2 टीमें बना के मौके पर भेज दी और 11 लोगों का मौके पर ही उपचार किया गया और उनमें से कुछ लोग आ रहे थे बिलासपुर आए, उनकी देखभाल की और उनका मायना किया गया MS के साथ मिलके। और कुछ लोग मारकंड गए, उनका मायना MS ने वहाँ मारकंड जाके किया और सभी लोगों को इस बीमारी के बारे में IC की गई और सभी को ट्रीटमेंट दी गई और सभी जो लोग हैं स्टेबल हैं।